नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर सिखों के पांचवें गुरु शहीदों के सरदार श्री अर्जुन देव जी साहिब के शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम इनर व्हील क्लब के तत्वाधान में ठंडे शरबत की शबील का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक सेवा समिति ने अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ पत्रकार एवं एडिएट एकेडमी के छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष रितिका अरोरा एवं श्रीमती रंजना सिंह अर्जुन देव जी के जीवन और उनकी शहादत के विषय में जानकारी दी। जी साहिब का शहीदी गुरु पर्व है, जिसे जग विख्यात है कि उन्होंने हिंद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इस तपती गर्मी में गुरु महाराज को जलते तवे पे बैठाकर ऊपर से रेत डाली गई थी। 3 दिन तक जब उन्हें ये यातनाएं दी गई थी, उसके बाद जिस वजीर ने उनके साथ ऐसा किया, उनकी धर्म पत्नी उनके लिए शरबत लेकर आई थी गुरु महाराज के लिए और कहा था आप इसे ग्रहण कीजिए, आपको राहत मिलेगी। तो गुरु महाराज ने कहा था माता जी मैंने सौगंध खाई है कि मैं इस वजीर के यहाँ का पानी तक नहीं पीऊँगा, लेकिन जब जब आगे चलकर कोई भी इस तपती गर्मी में राहगीरों को यात्रियों को ये ठंडा शरबत पिलाएगा तो वह ठंडक मुझ तक ही पहुँचेगी। तब से ना केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में जहाँ भी सिख और पंजाबी बसते हैं वहाँ पर इस प्रकार के छबील के कार्यक्रम प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं। आज हमारे सिखों के पांचवे गुरु श्री अर्जुन गंज बासोदा से विजय रघुवंशी के साथ ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।